हेलो फ्रेंड्स, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं लाई हूँ कुलचा। तो गेहूं के आटे का कुलचा है जो हेल्दी रहेगा, और कुलचा खाना सभी को पसंद आता है, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो घर पे अगर आप कुलचा तैयार करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके आप कुलचे की फरमाइश करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे इसे गेहूँ के आटे के साथ कुलचा तैयार कर सकते हैं, जो हेल्दी भी रहेगा और आपके मील्स को टेस्टी भी बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 कप गेहूं का आटा ले लिया है, जो 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा। और 4 कप गेहूं के आटे के साथ मैं 1 कप यहाँ पे फेटा हुआ फ्रेश कर्ड यानी कि दही डाल रही हूँ। दही के साथ ही इसे हमें गूंदना है। अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी तो, ठंडी का मौसम है तो हल्का सा कोसा पानी हम इसमें डालेंगे नीट करने के लिए इसे। अगर बहुत गर्मी है तो नॉर्मल हम जो टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से पानी को डाल सकते हैं। और इसे थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। और हल्का सा इसे थोड़ा सा खस्ता रहे यानी कि थोड़ा सा फ्लफ़ी में इसे हम और फ्लफ़ी कर सके, वहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कोई भी कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल वेज ऑयल होता है वो। कुकिंग ऑयल में आप मस्टर्ड ऑयल भी आता है, तो आप जो रिफाइंड ऑयल या वेज ऑयल होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे पहले अच्छे से हाथ की सहायता से दही के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आटे को, हमें कुलचा बनाना है तो बहुत ही सॉफ्ट रखना है आटे को, कुलचा तभी नरम और बनेंगे और फूलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी इसमें ऐड करके इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही लगा है इसमें, तो बिल्कुल नरम डो हम बिल्कुल तैयार करेंगे। तो इसे हम इस तरह से मढ़ने के बाद, जब आटा हमारा बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, तो इस तरह से इकट्ठा होने के बाद हल्का सा ऊपर से हम इसे तेल लगा के बस हथेली को चिकना कर लें, और इस तरह से तेल लगा के, ठंडी का मौसम है तो बिल्कुल आधे घंटे के लिए रख दें इसे, और अगर गर्मी का मौसम है तो 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दें और फिर बनाना शुरू करेंगे इसका कुलचा। तो मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए अच्छे से। इसे ढक देंगे और साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर आटा को रेस्ट दिए हुए पूरे आधे घंटे हो चुके हैं, और इसे एक बार फिर से मसल लेते हैं। जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था उस वजह से इसमें फर्मेंट आ चुका है, तो बस इसे हमें थोड़ा सा 5 मिनट मसल लेना है। और मसलते हुए हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल से, ताकि आपके हाथ में ये चिपके ना। तो इसे मसल लिया है, अब ये कुलचा बनाने के लिए डो तैयार है। तो चलते हैं कुलचा बनाने की तरफ। तो कुलचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ते ले लिए हैं, जो कुलचा के ऊपर ही चिपकाएंगे, और यहाँ पे आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। और डस्टिंग के लिए ले लिया है गेहूं का सूखा आटा। तो थोड़ा सा रोटी से हम इसे छोटा और मोटा रखेंगे कुलचा बनाने के लिए, तो हल्का सा पेड़ा जो लें रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा लें। और सूखे आटे के साथ जैसे आप रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है, हल्का दबाव देके, और थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा मोटा रखना है हमें। तो कुलचा को मैंने बेल लिया है और थोड़ा सा थिक में है, और जो पूड़ी का साइज़ होता है वही साइज़ में मैंने कुलचा को रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे पानी लगाएंगे ताकि धनिया पत्ता को इसके ऊपर चिपका सकें। तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ता को थोड़ा थोड़ा दोनों साइड चिपकाऊंगी, देखने में अच्छे लगेंगे। बहुत हल्का ही गीला करें, बस धनिया पत्ता आपका चिपक जाए। बस 4-5 धनिया पत्ते के टुकड़े दोनों साइड ऐसे करके चिपका दें, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तवा रख लिया है मैंने, तो तवा हल्का सा गर्म हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम नीचे लगा देंगे तवे पे तेल, ताकि कुलचा बिल्कुल तवे पे चिपके नहीं।
और मीडियम हीट पे ही तवे को रखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुलचा को दोनों तरफ से सेक लेना है, हल्का सा देसी घी या बटर लगा के। बस ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गर्म तवा ना हो, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम हाई फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से पलटते हुए बराबर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सिक गए हैं, ब्राउन चित्तियाँ आ गई हैं। तो ये कुलचा हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही कुछ कुलचे और तैयार कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने आपको चार कुलचे बना के दिखाए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट बने हैं। और यहाँ पर जो मैंने ग्रेवी ली है ये है चना की, ब्लैक चना की कढ़ी, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। तो वहाँ जाके इस रेसिपी को आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है काले चना की कढ़ी। और इसके साथ अगर आप कुलचे को सर्व करते हैं तो आपके लंच का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। और ये बहुत ही थोड़ी सी सॉफ्ट आप देख पा रहे होंगे, तो बिल्कुल जो आप रेस्टोरेंट स्टाइल कुलचा खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है अंदर से। तो आप इसे किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी के साथ खा सकते हैं। और ये सब्जी तो बिल्कुल टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। इस रेसिपी को भी मेरे चैनल पर जाके ज़रूर आप देखें और इस रेसिपी को बनाएं, कुलचा भी और ये काले चने की सब जो कढ़ी है। तो अगर आपको मेरी दोनों रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।